नमस्ते। आज नमस्ते। लूट गए का भोजपुरी वर्सन पूरे वर्ल्ड में यूट्यूब पर नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है, और हम हर एक भोजपुरी सुनने वालों के लिए, जानने वालों के लिए, चाहे वो देश में हो, विदेश में बैठे हो या दुनिया के किसी भी कोना में हो, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है कि हमारे भोजपुरी के पावर स्टार, हमारे भोजपुरी के, हम लोग प्यार से उनको मोहम्मद रफ़ी कहते हैं, ऐसे भैया हमेशा अपने आप को भोजपुरी का बेटा कहलाना ही पसंद करते हैं। विद इन टू मंथ्स, दो महीने पहले आप सभी को याद होगा, भैया का बारिश का भोजपुरी वर्सन आया था जो नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा था, और उसके साथ साथ ये भोजपुरी क्या पूरे बॉलीवुड के इंडस्ट्री को भी आप देख लें तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि किसी एक इंडिविजुअल स्टार का, किसी एक इंडिविजुअल सेलिब्रिटी का दो अलग अलग सॉन्ग एक साथ नंबर वन और नंबर दो पर ट्रेंड कर रहा था। नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा था बारिश, और नंबर दो पर ट्रेंड कर रहा था पुदीना। और जस्ट विद इन टू मंथ्स, इट इज नॉट इंसिडेंट, इट इज नॉट फॉर्चुनेट, इट इज द हार्ड लक विच ही हैज अर्नड, एंड इट इज द रिस्पेक्ट एंड ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल ऑफ भोजपुरी, एंड नॉट ओनली भोजपुरी बट पीपल ऑफ इंटायर कंट्री, इंटायर इंडिया, जिसकी वजह से आज फिर से ये संभव हुआ कि लूट गए का भोजपुरी वर्सन फिर से यूट्यूब पर नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है। और इतने सारा प्यार जो आप लोग देते हैं, इसके लिए आज फिर से मैं बोलना चाहूँगा हमारे भोजपुरी के मोहम्मद रफ़ी, हमारे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी, आप लोग के सामने लाइव आकर आप लोग से कुछ बात करना चाहते हैं। भैया, अरे भाई वाह, ये हमारे भाई इतना बखान किए मेरा, ये हमारे मित्र हैं, प्रिय और हमारे भाई हैं और हमारे भैया हैं सुभाष सिंह जी, आप लोग मेरे भाई को आशीर्वाद दीजिए, भैया को, और लोग से भी हम मिलाएंगे। बस पहले हम आप सब से आशीर्वाद पा लें, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा संपत्ति यही है। आज इंस्टा और पेज पे हम लाइव आए हैं, हम लोग शूटिंग कर रहे हैं ना जी भैया, अयोध्या में, भगवान श्री राम की नगरी में। पहला बार भोजपुरी में वेब सीरीज बन रहा बा, जोना के नाम है प्रपंच, ओकरे शूटिंग होता था। गाना जैसे मेरा भाई मोनू आके दिखाया कि भैया लूट गए सॉन्ग एक नंबर पे आ गया, मैंने बोला यार कैसे मैं जल्दी निकलूं यहाँ से, मुझे बात करना है अपने भोजपुरिया परिवार से, जल्दी जल्दी निकलनी है वहाँ से। और कहानी आपने लैकन से कितनी डाला कि हम क्या आशीर्वाद चाहिए, बहुत दिन हो गए हमके लाइव भैया, जितने होला ना कि आदमी जितने हड़बड़ाला उतने सामने दिक्कत आने लगता है। तो जैसे हम लोग लिफ्ट में आए तो 10-15 मिनट हम लोगों का लिफ्ट खा गया, लिफ्ट में खराब हो गया, सॉरी उसके लिए सबसे माफी चाहता हूँ। लेकिन आप हमारे भैया इतना हमारे बखान कर दिले, अना रे दादा हम, अरे भैया हम सबसे छोटा हैं, हम बहुत बस अपने भोजपुरिया समाज के हम भाई हैं, बेटा हैं, भतीजा हैं, और हमके कुछ ना आवेला कि हम कहाँ हैं। हाँ, एक सोच है, आप सब के आशीर्वाद के दम से ही आदमी कोशिश करेला, और हमेशा हम के बहुत खुशी होला कि हम जब भी नया कदम रखीला कभी भी, और आप लोग उसको नंबर वन ट्रेंडिंग में ला देते हैं। बस हम सोचीला कि यह हमार पूजा बा, और हमार गाना नंबर वन ट्रेंडिंग में आ गई तो आप लोग हमके आशीर्वाद दे लीजिए। अपना सोच यही है भैया कि हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी लेवल पे काम करें, सिर्फ पवन सिंह ही नहीं, खाली पवन सिंह नहीं, अगर एक वो अच्छा काम होला, 10 वो अच्छा काम हुई तो हमनी के भोजपुरी पूरा परिवार के अच्छा हुई, और सबके अच्छा होके के चाहिए, खाली हमारे अच्छा ना होके के चाहिए, सबके अच्छा हो। कहीं कोई फ़ोन करता है कि अजी सुनिए ना, एक गाना करना है, क्या क्या है, भोजपुरी है नहीं। मेरा सोच और मेरा थॉट यही है कि
कहीं फोन हो तो कोई खुशी से आए कि हाँ जी वो अगले को परिचय दे कि मैं भोजपुरी में इस आर्टिस्ट के साथ ये काम करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मेरा ये सोच है भैया। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ हट हट के काम होते रहे, डिफरेंट काम होते रहे, हर जगह चर्चा बनल रहे, एकदम भोजपुरिया परिवार हमारा आप लोग गड़गड़ा तला जब सीना सही बुलंद बा, आप लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनौले रहा जा। भाई हमार कमेंट लाइक ट्रेंडिंग वन, अब क्या बोलें, जितना बोला उतना कम रही। सुशांत सिंह जी थैंक यू मेरा भाई, बी के गुप्ता जी थैंक यू हमारे भाई, विक्रम सिंह जी थैंक यू। अरे बाप रे बाप, भाई मेरा लिख रहा है पावर स्टार। अरे गुंजन भाई, गुंजन सिंह जी, सत्या भाई सबके प्रणाम। रोहित पांडे जी किंग ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री, अरे दादा ही दादा। आप लोग जैसे हमारे भैया इतना बोल रहे हैं, हम बहुत कम बोलीला भाई, हम चाहिला कि हम ऐसा काम करें कि वो काम के चर्चा बने और वो काम के चर्चा हो, बे मतलब कि हमके बड़बड़ ऐसा नहीं कि बड़बड़ करे ना आवे, लेकिन हम चाहिला कि नहीं शांत रहिए। क्यों अपने से अपना अपने से अपन बढ़ाई हमरे हिसाब से हमके ना अच्छा लगे। हम कोनो नया काम करनी या कुछ अलग टाइप का कदम रखे, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है, बस मेरे लिए वही सब कुछ है। पेज ये है और इंस्टा ये है ना, हमसे अगर कभी दोनों मोबाइल पर एक साथ है बानी अगर गलती हो जात हो के तब माफ करिए जा भैया। पंडित आनंद पांडे जी, रोशन सिंह राजपूत जी, यश उपाध्याय जी, भूमि अतुल जी, निशांत सिंह राजपूत जी, केएल राहुल जी, सौरभ राय जी, अनिल मंडल सबको प्रणाम, दीपक शर्मा जी, एक सेकेंड, सॉरी ये कैसे आया था, अमिताभ श्रीवास्तव जी, अमरेंद्र पटेल जी, प्रशांत शर्मा जी, सबको प्रणाम मेरा भाई। मैं जितना भी थैंक यू और धन्यवाद बोलूंगा, आप सब के आशीर्वाद प्यार दुलार के आगे एकदम कम है, बहुत कम है। विनय विश्वकर्मा जी, राजेश रोशन जी, जितेंद्र यादव जी थैंक यू मेरा भाई, गोकुल राजभर जी, नीतीश पांडे जी, ओम पांडे जी, प्रियंका रेवरी, अरे बाबू नमस्कार प्रणाम थैंक यू बाबू, बाबू साहेब, कन्हैया कुशवाहा जी, पंकज राज, राहुल राय जी, बिट्टू साहनी जी, बस ये तो देखिए हम बोलबो करीला तरुवे सब निका आशीर्वाद के दम पे बोलीला, हमके अपने आप से कुछ बोले ना आवे, बस ही कहब कि आप सब के आशीर्वाद से ये जैसे वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है, इस कंपनी का नाम है टी सीरीज। मैं भैया जो बोल रहे हैं 195 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं टी सीरीज के, मतलब 19 करोड़ 50 लाख लोगों से ज्यादा अपना भोजपुरी भाषा में सब्सक्राइबर बढ़े, और हम लोग इमेजिन कर सकते हैं वो टी सीरीज का जो मेन चैनल है ना जी, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, जी जी बिल्कुल वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, और सबसे कम समय में टी सीरीज ने सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स लाने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जो कि पिछले 1.5 साल पहले हुआ था। ये उस कंपनी में उस चैनल पे मुझे गाने का मौका मिला पहली बार, भोजपुरी में पहला आर्टिस्ट है जो टी सीरीज के मेन चैनल पे गाना गाया, तो मैं टी सीरीज के सब टीम के
बहुत बहुत धन्यवाद देता नहीं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया और मेरे काम को आप लोगों ने अच्छे से मतलब बढ़िया से सूट किया, उसको अच्छे से निभाया और आप लोगों ने इतना सराहना, इतना प्यार दिया आप लोग, आप लोगों को दिल से थैंक यू। और अभी तो ये शुरुआत है भैया, अभी एगो झलक बा, ये ट्रायल रहला, अभी बस आप लोग आशीर्वाद देत रह जा, इसके बाद तब काम तो ऐसा ऐसा होने वाला है कि आप लोग बोलेंगे कि जियो रे मेरा बेटा, जियो मेरा लाल, जियो मेरा भाई। ये कौन सा है, ये इंस्टा है ना? हाँ लाओ। मैं एक बात बोलना चाहूँगा भैया। हाँ भैया, भैया ने आगाज कर दिया है और अंजाम अभी बाकी है, सिर्फ ये आगाज और शुरुआत है। और आप लोग मानकर चलिए जो भैया बोले, कबीर का एक दोहा मुझे याद आता है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल मोल। तो भैया हमारे भोजपुरी ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि पूरे सिंगिंग इंडस्ट्री के हीरा है, नायाब हीरा है, जिनको जो पहचानता है वही पहचानता है। और इतना डाउन टू अर्थ इंसान मैं स्वेर कर रहा हूँ गॉड का, मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा था। आप लोग विश्वास मानिए कि थैंक यू मेरा भैया। आप लोग विश्वास मानिए कि भोजपुरी को नया दिशा, नया आयाम, नया दशा अगर कोई दे रहा है तो वो हमारे मोहम्मद रफी साहब, हमारे पावर स्टार जी हैं। और आने वाले समय में अभी कुछ नहीं है, आप लोग यह मान कर चलिए कि जो लोग बोलते थे कि हैं भोजपुरी हम परिवार संगे ना देखब, हम मेहरारू संगे बैठ के ना देखब, हम इनका संगे ना देखब, भैया ने वो सिलसिला शुरू कर दिया है, चाहे वो बारिश हो या लुट गए हो या अपने 2020-2019 के बाद जितने सॉन्ग्स देखे होंगे, आने वाले समय में भोजपुरी का बोलबाला होगा और हम लोग थिएटर हो, सिनेमा हॉल हो, मल्टीप्लेक्स हो, सिनेपॉलिस हो, फीवीआर हो, हर एक जगह इन्होंने शुरुआत किया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ भैया के छोटे भाई के नाते कि आने वाले समय में हर एक लोग अपने पूरे परिवार के साथ देखेंगे और सब लोग एक साथ बैठकर एंजॉय करेंगे। भैया थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया, लव यू। ये भी पॉज हुआ है क्या? नहीं चल रहा है भैया, देखो तो। थैंक यू मेरा भाई बबलू गौतम जी, गंगा सागर कुमार जी, हिमांशु सिंह जी। चल रहा है जैसा कि इंस्टा ये पेज है ना, इंस्टा पे हम लोग थोड़ा सा सॉरी आ गया क्या, दिनेश लाल यादव बहुत अच्छा लगा भाई गाना। अरे भाई नमस्ते प्रणाम, हम तनी कमो पढ़ा लिखल हई भाई, हमारा नइखे बुझात का ई उठता का गिरता, सॉरी हई का होता। लव यू ऑल फ्रेंड्स। अभी आई अच्छा, धीरे धीरे हम हूँ पढ़े लगा सॉरी धर्मेंद्र सिंह जी, रोशन सिंह जी, सबको प्रणाम। ये इंस्टा का रुक जाओ, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, कैंसिल करो इसको। हाँ से तो स्टार्ट करो। जैसा कि भैया ने बोला और ये सही बात है, हमार कोशिश, हमार सोच यह बा कि किसी भी प्रोडक्शन से या किसी भी YouTube चैनल से अगर फोन जाता है किसी एक्टर या एक्ट्रेस के पास, तो आ गया
हाँ सॉरी गुड्डू पासवान जी, नमस्ते भाई। मैं ये बोल रहा था जैसा कि भैया ने बोला, मैं गाड़ी में भैया से यही डिस्कस कर रहा था कि भैया मेरा ये सोच है, तू हमारे आने से पहले भैया ने आप लोगों से कुछ शेयर किया। सही मायने में मेरा यही सोच है कि किसी भी प्रोडक्शन से या किसी भी यूट्यूब चैनल कंपनी से अगर फ़ोन जाता है किसी एक्ट्रेस या एक्टर के पास कि ये गाना है, तो कोई ये ना बोले, क्योंकि बहुत सारा आज से 6 महीना पहले ना साउंड आता था, नहीं नहीं भोजपुरी नहीं, नहीं नहीं भोजपुरी नहीं करनी है, जबकि हेतना मिली भोजपुरी में नहीं करनी है, हेतनी सी मिली कहीं और जाके खुशी से करी है। ऐसा क्यों? मेरा सिर्फ थॉट ये है कि ये थॉट बदले, जब भोजपुरी प्रोडक्शन से फ़ोन जाए किसी के पास तो वो अगले को फ़ोन करे कि मैं ये काम करने जा रही हूँ, उस दिन मेरा सपना पूरा होगा। खैर सपना तो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका अंत नहीं है, ये अनंत है। बस आप लोगों के आशीर्वाद के भूख बा, रहे हमेशा रही। बस आप लोग ऐसे आशीर्वाद अपन गड़गड़ौले रह जाए, गड़गड़ौले रह जाए, इसके बाद आप लोग देखते तो जाइए कि अभी क्या क्या हो रहा है। अभी तो ये एक झलक है, सारा भोजपुरिया परिवार एकदम, सारा भोजपुरिया जहान संसार एकदम दिल से गड़गड़ाएगा और दिल से बम बम बोलेगा कि जय हो भोजपुरी, जिया जियो मेरा हिंदुस्तान के लाल। खाली बिहार यूपी का है या झारखंड बंगाल का है, पूरे हिंदुस्तान के लाल और पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो, वर्ल्ड के लोग बोले हिंदुस्तान का लाल है। सारे भाई हमारे एकदम गड़गड़ाते रहे और सारे भाई हमारे एकदम खुश रहे। भूल चूक माफ, अगर केहू का नाम छूटल जाता छूट गई बात सबकी सबसे सॉरी, इंस्टा पे गड़बड़ हो गया था, सॉरी आप लोगों से माफी चाहता हूं। हम कल फिर हो सकता है कि लाइव आएंगे, कुछ कुछ बोलना क्या है, वैसे भी हम अपने परिवार से कभी भी बात कर सकीला, ये हमार हक बाकी। हाँ भैया चाचा चाची माई बहन आप सबसे हमके बात करेंगे, बात हमेशा बात कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है, ये मैं बोल सकता हूँ आप सबसे। तो बस आप सब लुट गए गाना कि इतना प्यार दे के एक नंबर पे आप लोग हिलाए हुए हैं, ऐसे ही हिलाते रहिए, गड़गड़ाते रहिए, बम बमाते रहिए, प्रेम से बोलिए एकदम हर हर महादेव, बम बम हमहू रही, बम बम हमार पूरा भोजपुरिया जहान रहे, यही हमारा संपत्ति है, यही हमारी हमारे लिए सारी खुशी है। कल भी हम लाइव आएंगे, हो सकता है कुछ नई बातें आप सबसे शेयर करूंगा, कोनो भी गलती होगी लोके तो माफ करी हजा, जय हो भोजपुरिया जहान, नमस्ते प्रणाम।